भगवान की उत्तम पूजा, सर्वोत्तम पूजा अपने जीवन को सद्गुण संपन्न बनाने से होती है। कोई भी एक दिन में, दो दिन में, एकाध सप्ताह में, एक साल भर में सारे सद्गुणों से संपन्न नहीं होता है, लेकिन हमारा मार्ग वो होना चाहिए। तीर्थ यात्रा तो बहुत किए, चार धाम की यात्रा चार बार करके आ गई, लेकिन लड़ाई झगड़ा मिटा? आपने ही कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। एकदम नहीं होगा, लेकिन डे बाय डे इन एवरी वे आई शैल बिकम बेटर एंड बेटर। भक्ति इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बेटरमेंट। आवश्यकता इस बात की है, और भगवान से मांगना भी हो ना। अब आप लोग क्या क्या मांगते हैं वो आप लोग जाने, तो वहां जाकर के आप क्या मांगते हैं आपको पता है, लेकिन वशिष्ठ मुनि की दृष्टि लेकर के यदि कुछ मांगना हो तो भिक्षा मांग लेना भगवान से। राम राम जय मलवानी दे दो राम, निर्मल करनी दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। सचराचर चर सुट्टी में और अचर सुट्टी में, अचर सुट्टी का अर्थ होता है ये सारी सृष्टि जो हमें अपने सामने दिखती है, अब उसकी पूजा कैसे करेंगे। यहां पर भगवान महादेव जी कहते हैं, वशिष्ठ सबसे पहली बात, अपने चित्त को शांत रखना सीखना, ये उस प्रभु को चढ़ाने वाला, चढ़ने वाला पहला पुष्प है। अशांत चित्त में कभी नहीं हो जाऊं। शमबोधादि विपुष्पैर देव आत्मा यदर्चते, मेरा अंतकरण सर्वदा शांत रहे, मेरी कोई भी प्रतिक्रिया सर्वदा सौम्य हो, मैं सौम्यता को त्यागू नहीं। आने वाले सब लोगों की ओर मैं प्रेम से ही देखना सीखूं। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, मेरे मन में निरंतर मैत्री का भाव जगे लोगों को देख करके, मैं कभी पर कभी भी अपने जीवन में पक्षपात करूं नहीं। मेरे ऊपर का नियंत्रण कभी छूटे नहीं। शम है, दम है, तितिक्षा है, गंध पुष्पों से भगवान की पूजा अच्छी बात है, लेकिन अपने भीतर विकसित सद्गुणों को भगवान को चढ़ाना, यह भगवान की अत्यंत श्रेष्ठ पूजा है। और यह गुणों का विकास कैसे होना चाहिए, भगवान गीता में भी वही बात कहते हैं, कौन प्रिय लगता है मुझे। वहां पर भगवान ने कहा है कि मेरे लिए एक माला लेकर के आओ, और मेरे लिए इतना बड़ा नोट चढ़ाओ, और मेरे लिए ऐसा ऐसा चंदन चाहिए, और ऐसी ऐसे धूप की, और ऐसा नहीं। भगवान ने वहां सद्गुणों का वर्णन किया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। 39 गुण बताते भगवान,
भगवान कहते हैं यो मत भक्त समय प्रिया, ये गुण जिसमें दिखते वो मुझे प्रिय लगता है। इसलिए निरंतर अपने भीतर ये गुणों का विकास होता जाए, ये उस परमात्मा की सच्ची पूजा।